ठीक है, सिलेक्ट सिलेक्ट द इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो पहले सबसे पहले तो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या है। इन एन एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन, हमारे पास एक पेपर में 12 क्वेश्चन, ये बस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जैसा आपके पास टेंथ में भी आप कर रहे थे सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी, ठीक है ये हमारे पास होता है। तो हमारे पास ये पेपर दो पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। मान लीजिए एसएसटी की बात करें भाई, हिस्ट्री सिविक्स में या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स में उस तरह से डिवाइड कर दिया आपने, हिस्ट्री ज्योग्राफी में पार्ट वन पार्ट टू कंटेनिंग 5 क्वेश्चन एंड 7 क्वेश्चन। पार्ट वन में 5 क्वेश्चंस हैं और पार्ट टू में 7 क्वेश्चंस, टोटल हमारे पास हैं 12 क्वेश्चन। टोटल जो है हमारे पास वो 12 क्वेश्चंस हैं, तो ये 12 हो गए, इस 12 के दो सेक्शन हो गए, एक में 5 एक में 7, तो टोटल वो 12 ही होंगे। आपसे कह रहा है स्टूडेंट इज required to attempt 8 questions in all, आपको जो attempt करने हैं वो 8 questions attempt करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास, यहीं पे मैं आपसे कहूँ, अगर हम कहते हैं कि भाई आपके पास 12 questions हैं और आप कोई से 8 करो तो आंसर क्या होता जी बेटे, आउट ऑफ 12 आपको 8 करने हैं और आप कोई से भी 8 कर सकते हो, तो आंसर क्या होता जी? 12 P8 ठीक। तो आप कह रहे हैं 12 P8, यहाँ P लेना है या C लेना है? अगर आपने पहला क्वेश्चन किया फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया 8 करा तो ये अलग ऑप्शन है। अगर आपने पहले 8 किया फिर 7 किया फिर 4 कर दिया फिर 5 कर दिया फिर 2 कर दिया फिर 1 कर दिया, तो ये दूसरा ऑप्शन है या सेम ऑप्शन है जी? तो फिर पी क्यों यूज कर रहे हो, या अरेंजमेंट की जरूरत है? यहाँ कह रहा है कि आपको कोई से 8 क्वेश्चन करने हैं, तो किसी भी सीक्वेंस में कर दीजिए, पहले आप कोई सा कर दीजिए बाद में दूसरा कर दीजिए, लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर वही है तो वो अरेंजमेंट तो वही रहेगा। तो पी आना है सी आना है जी? सी। तो एक तो चीज ये ध्यान रखनी है, यहाँ कॉम्बिनेशन है सिलेक्शन है कि मैं कौन से 8 क्वेश्चन करूं, तो दैट इज सी 12 C8। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने इससे आगे कंडीशन दे दी, ये तो मैंने तब कहा कि अगर कोई कंडीशन ना होती तो ये मेरा आंसर था, लेकिन अब आपसे क्या कह रहा है, उसने आगे क्या कहा कि सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, भाई कम से कम हर एक पार्ट से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर होने चाहिए। आपको टोटल 8 लेने हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक ही पार्ट से 7 ले लिए और दूसरे वाले से सिर्फ 1 कर दिया और आपके 8 हो गए, नहीं आपको एटलीस्ट 3 सेलेक्ट करने। तो यहाँ हमारे पास कंडीशन है कि एटलीस्ट 3 फ्रॉम 1 पार्ट, ये हमारे पास एटलीस्ट 3 फ्रॉम 1 पार्ट, ठीक है ईच पार्ट, ये हमसे कह। तो अगर 3 फ्रॉम ईच पार्ट कहना है तो फिर हमारे पास क्या कंडीशंस हो सकती हैं वो सोचो। तो देयर विल बी 3 केसेस, तो केसेस क्या होंगे वो देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से हम 3 क्वेश्चन लें, हमें लेने हैं टोटल कितने 8, तो इसका मतलब दूसरे वाले से कितने लेने पड़ेंगे 5। अच्छा अगर हम इस वाले से 4 ले लें पहले वाले से, तो दूसरे वाले से कितने 4। अच्छा अगर हम पहले वाले से 5 के 5 ले लें तो दूसरे वाले से कितने 3 3
थ्री क्वेश्चन, ठीक है, ले सकते हैं थ्री या नहीं? यस सर, ठीक है, ये पास हो गया। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ सिक्स क्वेश्चन ले लूँ तो यहाँ कितने लेने पड़ेंगे? टू। टू टोटल कितने लेने हैं? एट। एट, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं सिक्स ले सकता हूँ? नो सर। क्यों? एटलीस्ट थ्री लेना है कि दोनों पार्ट्स में, पार्ट में से। गुड, दो वजह है, सिर्फ यही वजह नहीं है, दो वजह है कि मैं नहीं ले सकता। पहली चीज तो ये है कि यहाँ मेरे पास जो है क्वेश्चन ही फाइव है। कितने क्वेश्चन है? तो फिर मैं सिक्स कैसे अटेम्प्ट करूंगा इस वाले पार्ट से? आगे समझ में? तो मैक्सिमम आप कितने ले सकते हो? फाइव। इधर वाले पार्ट से मैक्सिमम फाइव ही ले सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम फाइव ले सकते हो। दूसरी बात यह कि आपको एटलीस्ट थ्री लेने थे तो यहाँ टू रह गए, तो ये भी नहीं हो सकता, क्लियर। लेकिन अगर अब मैं कहूं कि नहीं मैं इधर से सिक्स ले रहा हूं, तो इधर से कितने लूंगा मैं? टू। क्या ले सकता हूं ये वाले? नो सर। रीजन? तीन। एटलीस्ट थ्री आपको लेने पड़ेंगे, है ना? शाबाश, वेरी गुड। तो ये वाले ऑप्शन नहीं है, तो अगर ये वाले ऑप्शन नहीं है तो फिर हमारे पास ऑप्शन सिर्फ तीन है ऊपर वाले केसेस। तो सबसे पहले तो बेटे जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं आपको ये देखना है। गुड, अब हमारे पास क्या, अब आप सिलेक्शन करते चले जाओ। बताओ पहले वाले ऑप्शन के लिए क्या आप करोगे? फर्स्ट वाले के लिए मतलब इस फाइव में से आपको तीन लेने और इन सेवन में से आपको फाइव लेने, तो क्या आंसर आएगा? फाइव सी थ्री, यस और नो? यस सर। इंटू सेवन सी फाइव, ठीक है। सेकेंड वाले के लिए क्या है? फाइव सी फोर इंटू सेवन सी फोर। तीसरे वाले के लिए क्या है? फाइव सी फाइव इंटू सेवन सी थ्री, यस और नो? मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो फाइव सी थ्री सेवन सी फाइव 5c4, 7c4, 5c5, 7c3, yes or no? ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। सब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर हम कब प्लस करते हैं और कब मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअली क्या है, जब तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, अभी हमने क्या किया, मैं पहले यहाँ ये बता रहा हूँ, इसमें हमने क्या किया, हमने तीन क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आउट ऑफ फाइव, बट हमें करने हैं एट, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ तो इनटू होगा। अब हम तीन तीन यहाँ सेलेक्ट कर दिए, पांच और कर रहे हैं, सेवन सी फाइव। अब हमारे क्वेश्चंस कितने हो गए? एट। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन एक तरह से, एक तरह से कौन सा, एक ऑप्शन कौन सा, ये वाला फर्स्ट, कि फर्स्ट वाले से थ्री और सेकेंड। बट अभी हमारे पास एक और ऑप्शन बाकी है, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका, तो जब ऑप्शन आएगा तो हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस, तो फिर हम इसको प्लस कर देंगे। अब पहले वाले में से फोर लिए, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, तो सेवन सी फोर, दूसरे में से फोर लिए, एट हो गया, तो अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो फिर इनटू यहाँ प्लस लगा देंगे, क्योंकि अभी एक ऑप्शन और बचा है। तो जब हमारा ऑप्शन आता है तब हम प्लस करते हैं, जब हमारा क्वेश्चन चल रहा होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। इज दिस क्लियर? कि भाई दस तरीके से ये हैं, दो तरीके ये हैं, तीन तरीके हैं, तो टोटल 15 वेज है। इस तरह से हम ढूंढते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमसे कह रहा था कि अगर हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, अच्छा क्वेश्चन था, और आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन 12 क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले में 5 हैं, दूसरे में 7 हैं, और एटलीस्ट तीन क्वेश्चन आपको एक पार्ट से लेने ही लेने हैं, तो टोटल ऑप्शंस क्या होंगे? तो मैंने कहा देयर आर थ्री केसेस, सेलेक्टिंग थ्री क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट देन फाइव अदर्स, सेलेक्टिंग फोर क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट देन फोर क्वेश्चन अदर्स, एंड फाइव क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट तो थ्री क्वेश्चंस अदर्स। तो ये हमारे पास टोटल तीन ऑप्शंस हो जाएंगे और उससे फिर हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? यस सर।